नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि YouTube कम्युनिटी टैब क्या होता है और एक नया YouTube चैनल में ये कब इनेबल होता है और इसके इनेबल हो जाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और जो भी दोस्तों आज मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा यूट्यूब कम्युनिटी टैब के बारे में, फ्रेंड आप लोग यकीन मानिए ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दोस्तों जैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल में ये कम्युनिटी टैब का ऑप्शन इनेबल हुआ, मेरे चैनल के अंदर क्या क्या चीज़ें बदल गए और इससे मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कम्युनिटी टैब होता क्या है। दोस्तों कम्युनिटी टैब अगर आपके यूट्यूब चैनल में इनेबल हो जाता है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि आप लोग अपना कोई इमेजेस, अपना कोई अच्छा फोटो अपलोड कर सकते हैं आप अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं, सेम उसी प्रकार से आप यूट्यूब पे भी अपना कोई इमेजेस, फ़ोटोज़ अपलोड कर पाएंगे। और दोस्तों आप फोटोज़ के साथ कोई वीडियोस का लिंक भी डाल सकते हैं। दूसरा इसके फ़ायदे क्या क्या है। दोस्तों अगर कम्युनिटी टैब इनेबल हो जाता है तो जैसे कि कोई आपकी आने वाली अगली वीडियो हो, आप उस फोटो में थंबनेल अच्छा सा बना के आप उसको अपलोड कर दिए तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसको देखेंगे, उसके बारे में उस वीडियो का वेट करेंगे। तो ये जानकारी आप उस थंबनेल में डाल के अगर आप अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते हो तो इससे आपको एक फ़ायदा है कि आपके जो वीडियो अपलोड होंगे उस पर ज़्यादा व्यू आ सकते हैं। यहाँ दोस्तों और तीसरा ये है कम्युनिटी टैब इनेबल होता कैसे है। दोस्तों इस पहले ये होता था 10,000 सब्सक्राइबर पे इनेबल होता था, लेकिन अब क्या होता है यूट्यूब ने ये 1,000 सब्सक्राइबर पे इनेबल करना शुरू कर दिया है। तो अब अगर आपके 1,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो ये कम्युनिटी टैब का ऑप्शन ऑटोमेटिक जो है आपका 2 से 4 दिन में इनेबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों मेरे चैनल पे ऐसे ही हुआ था, जब मेरा 1,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया तो मेरे को 2 से 4 दिन लगा और मेरे पे एक ऐसा ऑप्शन खुल के आया जहाँ पे कि मैं कोई अपना फोटोस डाल सकता था। दोस्तों इसके लिए आपको कोई YouTube को मेल नहीं करना होगा, ना तो YouTube में कोई ऐसा सेटिंग होगा जो आपको लगता है कि इस सेटिंग को कुछ करने से ये इनेबल हो जाएगा कम्युनिटी टैब, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। जब आपका 1,000 हो जाएगा सब्सक्राइबर तो खुद ही YouTube आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपको वो ऑप्शन दे देगा। YouTube पे जब भी हम लोग कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, एक होता है वीडियो का और एक होता है लाइव का। तो ये आपको जो तीसरा ऑप्शन होगा वो होगा पोस्ट का, वहीं पे आप लोग इमेजेस पोस्ट कर पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही हेल्पफुल और बिल्कुल यूजफुल वीडियोस लेके आता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।